सिंह और छुड़वा, तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि हमारा चंद्रनगर राज्य है। ये चंद्रनगर राज्य है और इस चंद्रनगर राज्य में लोग मुझे ठाकुर अमरनाथ के नाम से जानते हैं। मैं इस चंद्रनगर के महाराज प्रेमनाथ का छोटा भाई, जिसे लोग ठाकुर अमरनाथ के नाम से जानते हैं। और छोड़वा, हमारे बड़े भैया के दो पुत्र हैं, यानी कि हमारे दो भतीजे हैं। बड़ा वाला भतीजा जिसको लोग राजकुमार श्यामू के नाम से जानते हैं, और दूसरा वाला भतीजा जिसको लोग राजकुमार रामू के नाम से जानते हैं। आज हमारे बड़े भैया प्रेमनाथ का खुशहाल परिवार है, लेकिन छोड़वा, ये महाराज प्रेमनाथ का छोटा भाई ठाकुर अमरनाथ इतनी उम्र का हो गया है, लेकिन बड़े भैया ने आज तक हमारी शादी के विषय में नहीं सोचा। छोड़वा, क्या इस राजमहल में हमारा हिस्सा नहीं है? ये राजमहल में आप पूरे हिस्से के भागीदार है ना, और राजा साहब के छोटे भाई है ना, चाहे जहाँ हुए आपका हिस्सा बराबर पूरा हक है। इस राजमहल में आया भेका हिस्सेदार हो, लेकिन हमारे बड़े भैया हमसे बहुत बड़ी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे यार दोस्तों के साथ एक ठाकुर की संगत बेकार हो गई है रे। और छोड़वा, आज हमारा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है कि हमारे बड़े भैया आज तक हमारी जिंदगी के विषय में कुछ नहीं सोचा है। आपके आपके बड़े भैया शादी कर लेन दो लड़का है, अब आपके इतनी उम्र है कि आपके विषय में सोचबे नहीं भे। अगर आपके विषय में सोचे और शादी हो जात, आपको 12-13 लड़का होते। इसी बात को सोचने के लिए आज हमारा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो आज हमारा दिल कह रहा है कि आज हम मोड़ बनाएंगे। का बनाई हो? आज हम मोड़ बनाएंगे। अरे हुजूर, मोड़ न बनाओ। क्यों? रोज रोज बना था मोड़, आज बनी 55। अबे हम 55 की बात थोड़ी कर रहे हो, अपने हेड यानी कि माइंड को फ्रेश करने की बात कर रहे हैं। तुम यहाँ से आओ, जो हमारा एयर कंडीशन वाला कमरा बना है उसी कमरे में ग्रीन रॉयल की बोतल रखी हुई है, जाओ उसे लेकर के आओ। इतने दिन होगी आपके साथ ड्यूटी करत करत, और हमारी उम्र कम से कम 80-85 साल के तो नहीं है, इतनी उम्र में कब हम सील नहीं खोले? खोली, चलो आपको हमारा सील खोला जाए। कहे हो? आज हम जिंदगी में पहले सील खोले, हिंदन चिल्लाती का सील? अरे अब चूड़ी घूम रही है, ताकत लगाओ, ताकत और ताकत और लगाओ और अब की। हम आपके नौकर हैं, लेकिन हमका दारू पे से मजबूर न करो। हम पी रहे तो तुम ही पियो। वो बात सही है, लेकिन दारू पे से हमका मजबूर न करो। तो नहीं पिएगा।
बिना अंडा के डाकी ना। हुजूर बिरयानी मंगाओ। अभी साले पैक मारा नहीं कि बिरयानी की याद आ गई। हुजूर फ्राई वाले अंडा। छोड़वा और लेगा एक छटाका। राम सिंह लेगा। हुजूर टेढ़े मेढ़े मंगाओ। जैसे ही हमने मदिरा का सेवन किया अरे परिवार के हिस्से की बात याद आ गई रे। परिवार की? परिवार में हमारा भी तो हिस्सा है। अरे आपका बराबर हिस्सा है, आप हिस्से के भागीदार। हिस्से की बात आ गई है और अब हमारा दिमाग खराब हो रहा है। तुम लोगों से हम हिस्से की बात कुछ बताना चाहते हैं। सुनो कि हम कहना क्या चाहते हैं। सुनो हमारी बात को। Hey, hey, hey.
छोड़ो। दिल के अंदर हमारे तमन्ना रही है कि हम अपना हिस्सा लेने के लिए अपने बड़े भाई प्रेमनाथ को जान से मार दो, लेकिन जब भी हम मारने के लिए सोचता हूं तो ना जाने हमारे कदम आगे की बजाय पीछे क्यों हट जाते हैं। आपके कदम पीछे लौटी नहीं है, हिस्सा मांगे जा दो, बड़े आपके बड़े भाई हैं, आपका पूरा हक है, लेकिन जब मारे पीटे की बात आ जाती भाई खून का रिश्ता आ जाता है। छोड़िया खून का रिश्ता, लेकिन ये ठाकुर अमरनाथ अपना हिस्सा लेकर के ही रहेगा। एक हमारे दिमाग में एक आइडिया आया है। काया वह? एक हमारे दिमाग में आइडिया आया है। अरे हुजूर आइडिया नहीं, सबसे बढ़िया सिमलियो ओडा, इमा बातों बढ़िया हुई, टावरों बढ़िया पकड़त। अबे साले भैंस के अंडे से निकले हुए हाथी, हम काई साले ओडा या तेल की बात कर रहे हैं? हमें किसी भी हालत में हमारा आधा चंद्र नगर राज चाहिए। छोड़वा हमारे दिमाग में एक आइडिया ये आया है कि एक हमारा जिगरी दोस्त है। आपके दोस्त का क्या नाम है? एक हमारा जिगरी दोस्त है जिसका नाम ठाकुर विजय सिंह है। आज एक हफ्ते हो गए हैं हमारे दोस्त विजय सिंह से मुलाकात नहीं हुई है। तेरे पास विजय सिंह का नंबर होगा ना? नंबर है, नंबर है। फोन मिलाओ और ठाकुर विजय सिंह से कहो कि ठाकुर अमरनाथ राजमहल में याद कर रहे हैं। भाई जाओ, आपके दोस्त का हम तुरंत बुला रहे हैं फोन करके। 99 84 99 84 चार चमार पांच पासी। अरे ये किस सिम का नंबर है? एयरटेल। हराम खोर, सारे एयरटेल कंपनी वाले ऐसा नंबर बनाते हैं। वो दूसरा वाला जो विजय सिंह चलाता है, दूसरा वाला नंबर उसको मिला। भाई जो आप दूसरा नंबर लगाए थे 99 34 99 34 हगीस मोती सौचिस। किस सिम का नंबर मिला दिया पागल साले? दूसरा युवा वाला सिम। अरे वो 10 अंकों वाला नंबर मिलाओ, जो 10 नंबर का वो है ना सिम, वो वाला नंबर मिला। 98 98 38 680 216 कब्रिस्तान के बाहर बता रहा है। 98 38 680 216 हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते कौन? अरे हम राज दरबार से छोटू बोल हैं, जो आपके दोस्त नहीं है? हाँ उन्हीं के नौकर बोल रहे हैं। अच्छा तो छोटू बोल रहे हो? हाँ। इस समय आप कहाँ हो? इस समय मैं मीटिंग में हूँ। अच्छा इस समय आप मिट्टी में हो? अबे चूतिया, राज दरबार में नौकरी करता है और बोलने की अकल नहीं है? नहीं, इस समय मैं मीटिंग में हूँ, वो भी सचिवालय लखनऊ में। अच्छा इस समय आप शौचालय में हो? इतने जूते मारूंगा कि तुम्हारी आने वाली सात नस्लें गंजी पैदा होंगी। नहीं आप कहा इस समय हम लखनऊ महान और शौचालय में मिट्टी में बैठन। अब शौचालय नहीं सचिवालय। हाँ लखनऊ। अच्छा आप सचिवालय महान लखनऊ महान? हाँ इस समय में मीटिंग में मिट्टी में। साले कुत्ते की नस्ल मिट्टी में नहीं मीटिंग में। अच्छा मीटिंग में, लेकिन आप तुरंत आओ, आपके दोस्त आपको याद कर रहे हैं। क्या कहा? हमारे बचपन का दोस्त अमरनाथ हमें याद कर रहा है। लेकिन इतनी दूरी कैसे कसम आज पाई हो आप? अबे सुन, आज कौन सा युग है जानता है? मैं भी तत्काल मीटिंग को छोड़ता हूँ और अपने हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करता हूँ
में पायलट सैम हो हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए लखनऊ से सिर्फ वहां तक पहुंचने में, चंद्रनगर पहुंचने में हमें सिर्फ 10 मिनट का वक्त लगेगा। हाँ हुजूर, हेलीकॉप्टर सही बने, मुझे हेलीकॉप्टर देख लिया भाई। मेरे दोस्त से कहो 10 मिनट सिर्फ अपने दोस्त का इंतजार करें, हम 10 मिनट के अंदर चंद्रनगर के राजमहल में हाजिर होते हैं। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। वाह, तू हवेली में नौकरी करता है लेकिन बोलने की अकल नहीं है तुझे। हम ज्यादा पढ़े लिखे थोड़े हैं, हम आपके दोस्त से बताए कि आपके दोस्त लखनऊ से हेलीकॉप्टर से आ गए हैं। दोस्त जय गोपाल सिंह, मेरा दोस्त अमरनाथ आज इतना उदास कि मैंने कहा दोस्त जय गोपाल की, तो उसने उत्तर नहीं दिया। दोस्त अमरनाथ तो देख कर करी ये दशा आपकी, देख कर करी ये दशा आपकी, क्या पता उठ कर पारा पारा हुआ मुख कमल पर उदासी आखिर कौन सा कष्ट है मेरे यार, आखिर बात क्या है मेरे यार विजय सिंह? सर्वप्रथम ठाकुर अमरनाथ की दोस्ती मुबारक हो। आप दोनों जने की दोस्ती मुंह बगा रहे थे। अबे साले शमशान घाट के होने वाले मेहमानों, दोस्ती मुंह बगारत नहीं, दोस्ती मुबारक हो। मेरे यार तो हमारी खामोशी का कारण जानना चाहता है। दोस्त आखिर बात क्या है? सुनो मेरे यार, क्या बता रहे सब दोस्त मनुष्य, कुछ भाई की नजरें मैं हर तम रहूं बस इसी से।